हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। उसी के साथ सुबह के 10 हो चुके हैं और सब लोग अभी अपना अपना हॉलीडे मना रहे हैं, वीकेंड मना रहे हैं। तो सभी को 10-15 दिन का वेकेशन पड़ा है, तो कौन कहां कहां गए वो हमें कॉमेंट करके बताओ। और उसी के साथ आज है काली सऊदेश, तो हैप्पी काली सऊदेश ऑल माई सब्सक्राइबर। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हो और देख लीजिए। सुबह में रोहित भाई उठ के बैठ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो क्या है आज के न्यूज में? न्यूज पढ़ ही नहीं, तो न्यूज पढ़ लीजिए। हाँ, अभी हॉलीडे है तो इसमें वीडियो में तो हॉलीडे नहीं आता है, न्यूज पढ़ने में तो 5 मिनट लगता है। अभी वेकेशन रहता है, ऐसा है तो कोई नई न्यूज नहीं आती है। आएगी ना वो न्यूज में, फोन में आएगी वो बता देना। ये आई है वो आज का न्यूज, आज का न्यूज पेपर आ गई है। तो भाई न्यूज में भी रजा होती है, वो तो मुझे बोलना एक दो दिन की रहती है, तो वो मैं बोलना भूल चुका हूँ। तो अभी क्या है कि सभी जो सरकारी कचहरी है ना, उसमें भी काफी जगह पे रजा बजा स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए पहले किचन में देखते हैं आज का ब्रेकफास्ट में क्या है। कल तो हमने रोटी लपेटी थी, आज लपेटेंगे खारी, क्योंकि अभी वीकेंड आया है तो थोड़ा दिवाली का फरसान बरसान बनाया है, वो खाना तो पड़ेगा ना भाई। तो 2-3 दिन खाएंगे, फिर वापस से अपना शेड्यूल कंटिन्यू कर लेंगे। तो देख लीजिए भाई, अभी रोटी हो चुकी है रेडी, चाय कप से रेडी हो चुकी है। और इधर गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। इन लोगों को तो हॉलीडे हो तो क्या है कि कोई भी हो सुबह का काम करने में रजा नहीं आती का, उसमें रजा आती होती हो ना तो मजा आती। तो रसोई में भी नहीं आती है, काम करने में भी नहीं आती है। और इस साइड देख लीजिए मम्मी, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। मजा आवे, रजा आवे मम्मी तुमने काम करवा मने में? हाँ, भाई उन्हें कह रजा नो आवे, काम करव पड़े। तो दोपहर के खाने में बनने वाली आज मकाई की सब्जी। तो येलो मकाई अभी कट रही है, हमारे घर में मकाई की सब्जी हफ्ते में 1-2 बार तो बनती ही है, क्योंकि अभी सभी को बहुत पसंद आने लगी है। तो खाने में भी अच्छा है और बनाने में भी अच्छा है। तो चलिए आज पप्पा लाए खारी, वो खाएंगे, फिर सुबह का ब्रेकफास्ट करके फिर आपको बताएंगे कि आज के न्यूज में सब कुछ क्या है। ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए, ब्रेकफास्ट में चाय और रोटी ले ली है। और इस साइड सोनल भी हमारे लिए खारी निकाल रही है। तो खारी भाई हमारी घर में बहुत फेवरेट है मेरी, और सोनल की भी फेवरेट है। तो अभी खारी आई है ना, तो 1 किलो तो हम 1 या 2 दिन में खा जाते हैं। तो खारी इतनी हमको पसंद है, अभी खाएंगे, दोपहर को खाएंगे, शाम को खाएंगे, लेकिन इस बार नहीं खाएंगे, इसमें मैदा बहुत ज्यादा आता है इसलिए हम नहीं खाएंगे। तो आज थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सारी खारी लेके आए है, 1 किलो का पैकेट है, अभी कितने दिन में पूरी होती है ना वो दिखा देते है। आई लव खारी, खारी तो हाँ, खारी से पेट नहीं भरता है लेकिन खाने में बहुत मजा आता है। आपको मजा आता है खाने में खारी? मम्मी नहीं खाते हैं, मैं सोनल रोहित पापा सब लोग खाते हैं, लेकिन खारी में ऐसा होता है इन लोगों का काम बढ़ जाता है। जब हम खारी खाते हैं ना तो इसका कचरा बहुत होता है, नीचे गिरता है ना, इसलिए तो ये नीचे गिरता है ना वो राक्षस का भाग का होता है, इसलिए लेले का नहीं होता है। कहाँ पे बोला था ये? बोला था कहाँ पे हमको? वस्तु वो है नहीं कि वो राक्षस के हिस्से में चले गए, जैसे हम कैसे देवी देवताओं के भाग में हम देते है ऐसा बोला था, लेकिन ऐसा कोई मानता है नहीं, सब अपने हिसाब से है। तो जल्दी से चलो, जिसको खारी खानी है वो आ जाओ। और कौन कौन लोगों ने दिवाली में भी खारी खाना स्टार्ट कर दिया है? बन चुके हैं बाहर और खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं, क्योंकि जल्दी इसलिए आज खा रहे हैं क्योंकि फोन आया था हेयर कटिंग करवाने के लिए जाना है, तो आधे घंटे पहले आया था, आधे घंटे में आने का बोला था, लेकिन हम खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। तो खाने में सलाद और रोटी मकाई की सब्जी ले ली है, जल्दी से खा के इधर जाएंगे हेयर कटिंग करवाने, फिर मिलेंगे हेयर कटिंग करवा के आएंगे। 3 बज चुके हैं और देख लीजिए हेयर कटिंग करवा के आ चुके हैं। तो ये वाला लुक अच्छा लग रहा था कि वो वाला लुक अच्छा लग रहा था वो कमेंट करके बताना। तो मुझे तो ऐसे बड़ी दाढ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन सभी को पसंद नहीं होती इसलिए मैंने निकाल दी। तो इधर देख लीजिए सोनल भी आ चुकी है और सोफे का कवर ठीक कर रही है। देख लीजिए क्या करा के इधर, तो देख पहले क्या करवा के आई है। तो भाई वाल स्ट्रेट करवा के आ चुके है, हम भी गए थे। और ये भी कितना घंटा लगा आपको इधर पहले? तो इन लोगों को भी कलाक लगा और हमको तो ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि हम गए थे, हमारे पहले कोई बैठा हुआ था, फिर हमारा नंबर आया। तो चलिए अभी ये सब कुछ चल रहा है, अभी थोड़ी सी भूख लगी है तो थोड़ा सा नाश्ता बास्ता करेंगे वापस से, फिर आपको दिखाएंगे रात को कंटिन्यू करेंगे और कहाँ पे जाते हैं वो सब कुछ देखते हैं। बच चुके हैं 7 और आ चुके हैं घर पे, थोड़ी शॉपिंग करने के लिए गए थे, सोनल को परफ्यूम और सब कुछ लेना था तो लेने के लिए गए थे, तो वो लेके आ चुके। उससे पहले आप एक सुबह में मैंने 1 मिनट की जो रील्स बनाई थी
वो देख लो। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी ऐसी शॉर्ट्स रील्स मैं मेरे इंस्टाग्राम में एक दो दिन के बाद ऐसे ऐसे रखते जाऊंगा। तो ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है वो कमेंट करना, और वो देखने के लिए आपको मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो करना होगा। तो इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर लो और ये वीडियो देख लो, उसी के बाद आपको हम दिखाएंगे कि हम शॉपिंग करके क्या लेके आए हैं और घर में सब कुछ क्या बन रहा है। ऐसा देखा आपको कैसा लगा? तो चलिए अभी हम आपको वो दिखा देता हूँ कि हम क्या शॉपिंग करने के लिए गए थे और क्या क्या लेके आए थे। तो देख लीजिए भाई, शॉपिंग करके हम परफ्यूम लेके आए हैं, 3 परफ्यूम लेके आए हैं। उसमें से ये वाला मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये भी अच्छा ही है, और एक दो ही है, 3 नहीं है, और ये क्या है, ये सेथास्टिक है, और ये नेल पॉलिश है, ये नेल पॉलिश हम करेंगे न्यू ईयर में। तो ये सब कुछ लेके आए हैं, लेकिन ये स्प्रे ढूंढने के लिए हमें बहुत टाइम लग गया, क्योंकि इसको एक बार इसने कहीं पे देख यूज़ किया होगा तो उसको उसकी स्मेल अच्छी लगी। तो अभी क्या काम करने का है? तो काले सऊदेश से तू केम काले क्या मन घोड़ा खुला वाल रखे सब? तो भाई अभी सोनल जाएगी, सब दिया है वो जलाने के लिए नीचे, क्योंकि हम शॉपिंग करने के लिए गए थे ना तो थोड़ा सा लेट हो गया, तो वो दिया करेंगे। और इधर देख लीजिए जो इलेक्ट्रिक दीवा लेके आए थे ना, वो मम्मी ने मंदिर के पास रख दिया है, और इधर मम्मी मार्केट गए थे तो वहाँ से सब्जी गए थे मार्केट। हर रोज एक दो दिन में अभी हमको मार्केट जाने का हो गया। हाँ तो बटेका लेने के लिए मम्मी मार्केट गए थे, तो मम्मी पानी वाले दीवा लेके आए, तो चलिए वो देखते हैं वो कैसा है। तो इलेक्ट्रिक वाला दिया तो अभी हमने यूज नहीं किया है, मम्मी दूसरा दीवा तब तक लेके आएगी है। और देख लीजिए मम्मी के पास ऐसा सब कुछ, अब मम्मी तुम्हें हाथे बनाए हुआ? तो मम्मी ने जो अपने हाथों से बनाया, मम्मी आपको लगता होगा कि हर दिन जो बैठे बैठे ऐसा कुछ बनाते ही रहते है। और ये देख लीजिए हमारा मंदिर का भी थोड़ा सा डेकोर होने का चालू हो गया है, या पिछली बार हमने जो हॉल है ना वहाँ पे लगाया हुआ था पहली रूम में, और इस बार मंदिर पे लगा दिया है। और अभी पानी वाला दिया में क्या है भाई, उसमें कुछ सेटिंग लगाया हुआ है कि आप पानी डालते हो ना, हाँ उसमें पानी मिल जाता है ना, इसलिए दिए जलते है। तो अर्थिंग का होता है, ऐसे आता है इलेक्ट्रिक ही दिए, लेकिन अभी मम्मी को उससे दिया कितने है, इसके अगले वीडियो में जो दिया दिखाया था ना वो 50 रुपए के 2 दिए आए थे। तो देख लीजिए रॉयल चा हम कब से यूज करने लगे मम्मी, हाँ तो हर रोज हर बार हम जीवराज की चाय यूज करते, इस बार रॉयल की लेके आए, और ये क्या बनने वाला है? तो वड़ा ही सिप बनाने का है। तो भाई आज काली सऊदेश है तो वड़ा खाने का है, और मैं अभी आ रहा था ना चौक में से, तो चौक जहाँ पे पड़ता है ना वहाँ सभी लेडीज कुंडाला करके ककड़ा काटने के लिए निकल गई है, और वो क्या बोलते हैं कि वड़े चार दिशा में फेंकते तो अनाज का मेरे को लगता है बहुत वेस्ट होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अभी काफी सारी जगह पे क्या करते है कि एक बर्तन रख दे उसमें ही सब डाल देते है। तो सोनल को क्या दिखा रही है तू? हाँ ये भी देख लीजिए, ये कितना अच्छा बनाया हुआ है मम्मी ने, हैप्पी दिवाली, ये वाला तो मुझे बहुत बढ़िया ही लगा, स्टोन बोन लगा के। तो ये तो कल रखने का होता है ना मम्मी, हाँ तो आज अभी हमें हैप्पी दिवाली की रंगोली भी सोनल बनाएगी, लेकिन वो वीडियो तो मैं ले नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं भी रात में बाहर चले जाता हूँ। आज का वीडियो मैं बोलूंगा सोनल को जो लेगी, तो हम आपको दिखाएंगे कि दिवाली की रंगोली क्या बनाते है वो सब कुछ। तो चलिए आज ऐसे भी बहुत लेट हो गया है क्योंकि खरीदी करने के लिए सब गए थे, तो आज का व्लॉग भी इतना कुछ खास नहीं बना सके क्योंकि मैं भी बाल कटवाने गए थे, सोनल पार्लर में गई थी और थोड़ी खरीदी करने के लिए गए थे, ऐसा सब कुछ था। तो आज का वीडियो इधर ही एंड करते हैं, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कर दो, कॉमेंट करके सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर दो। कल मिलेंगे कुछ अच्छे नए कंटेंट के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद, बाय बाय।